नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो कुंडली के हाउस होते हैं, यानी भाव होते हैं, या कुंडली के जो घर होते हैं उनमें सबसे पहला, अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहला खाना यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं, या प्रथम भाव या पहला घर। तो अगर हम इस तरह से शुरू करें, 1 2 3 4, 3 4, फिर 5, फिर यहाँ आ जाएगा 6, फिर 7, और ये वाला 8 हो गया, यहाँ 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 भाव होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो प्रथम भाव है इसको हम कहते हैं लग्न, एसेंडेंट, लग्न बोलते हैं। तो अब आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एक काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें इस तरह से लिखे हुए रहते हैं सभी, मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, एक एक से लेके 12 तक जो खानों में है, इस प्रकार से जैसे आप अभी सामने यहाँ देख रहे हैं, उस प्रकार से आपको काल पुरुष की कुंडली में इस तरह से हाउसेज हैं वो मिलेंगे। अब आपके यहाँ एक की जगह 2 नंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो फिर जैसे यहाँ 4 है, तो फिर जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आ जाएगा 5। तो इस तरह से कुछ इनका जो भावों का जो क्रम है वो हो सकता है। अब बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में ओनली फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस क्या दर्शाता है? फर्स्ट हाउस है वो आप खुद हैं, मतलब आपकी जो बॉडी है वही आपका फर्स्ट हाउस है। अब आपका जो फर्स्ट हाउस है उसको हम प्रथम भाव या लग्न कहते हैं, या पहला घर। तो आपके जो जन्म के समय पे जो भी राशि का उदय था वो राशि इसमें आती है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस है वो हमारी जो लाइफ है उसकी शुरुआत है, यानी हमारा जीवन जहाँ से शुरू होता है वो स्टेज, वो ये जो फर्स्ट हाउस है यहीं से हमारा, पहली बार जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा जीवन यहीं से शुरू होता है। तो हमारा फर्स्ट हाउस हमारी जिंदगी की शुरुआत को दर्शाता है। जैसे मान लो कि आपके फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है, तो जो 5 नंबर राशि है वो आपके, वो जो 5 नंबर राशि है वो अपने 5th हाउस को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है। जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से आप अपने 5th हाउस को देखें, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आ जाएगा 6 7 8 और 9। तो ये दर्शाता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो आप यहाँ से ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। अब फर्स्ट हाउस बताता है कि हमारा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और हम इसे किस प्रकार से करेंगे, ये सब फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी का रंग और रूप, आपका शारीरिक बल, आपकी कार्य करने की क्षमता है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्टार्टिंग ऑफ लाइफ या आपका प्रारंभिक जीवन है, आपका मान सम्मान भी है फर्स्ट हाउस। इसके अलावा आपका यश, आपका माइंड है, आपकी बुद्धि, ये सब फर्स्ट हाउस बताता है। और दुनिया के सामने हम अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सब फर्स्ट हाउस बताता है। और एक तो हम वास्तव में हैं कैसे, और हम दुनिया के सामने खुद को कैसा दिखाना चाहते हैं या हम दिखाते हैं, ये चीज़ भी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। जीवन के बारे में हमारी जो एक जनरल थिंकिंग है वो भी फर्स्ट हाउस से पता लगती है। फर्स्ट हाउस है आपके पब्लिक अपीयरेंस का, आपके कैरेक्टर का, आपकी व्यक्तिगत पहचान को बताने वाला है फर्स्ट हाउस। आपका लुक कैसा है, मतलब आप कैसे दिखते हैं, ये सब फर्स्ट हाउस से पता लगता है। इसके अलावा आपके सौभाग्य को भी फर्स्ट हाउस बताता है, आपकी बहादुरी, आपकी किसी भी समस्या से निपटने की जो क्षमता है उसको फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है उस भाव को देखने से आपको पता लगेगा कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस ये भी बताता है कि आप किसी के नीचे काम करेंगे या आप किसी के जो किसी के ऊपर, यानी ऊपर का मतलब है बॉस, यानी आप किसी के बॉस रहेंगे या आप किसी के नौकर रहेंगे, ये सब फर्स्ट हाउस बताता है। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का है तो निश्चित रूप से आप बॉस रहेंगे, किसी ना किसी के बॉस आप अवश्य रहेंगे और लंबे टाइम तक आप बॉस के रूप में ही रहेंगे। इसके अलावा परिवार की संपत्ति का नष्ट होना या उसका खो जाना, ये फर्स्ट हाउस बताता है। इसके अलावा जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनका जो गेन है, उनको जो जो उनको गेन होते हैं, जो उनके गेंस हैं, उनकी डिजायर्स हैं, उनका नेटवर्क सर्किल है, वो सब फर्स्ट हाउस से, हम अपने फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट हाउस है वो हमारी जो मदर हैं उनकी इमेज, उनकी छवि, उनके करियर को बताता है, हमारी माँ के स्टेटस को फर्स्ट हाउस बताता है, हमारी माता के धार्मिक विचारों को ये भाव है वो दर्शाता है। आपके स्वयं के बच्चों का लक, आपके जो बच्चे हैं उनका लक फर्स्ट हाउस बताएगा, आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। और आपकी जो बीमारियां हैं उनका निपटान, यानी डेथ ऑफ डिजीजेज और इनेमी, ये सब इसके बारे में फर्स्ट हाउस बताएगा। आपके जो अंकल हैं, आपके जो अंकल हैं उनकी डेथ को प्रदर्शित करता है फर्स्ट हाउस। हेल्थ और जो आपके स्पाउस है उनकी हेल्थ, उनकी इलनेस और उनकी जो डिजीजेज हैं उनको फर्स्ट हाउस बताता है, मतलब उनकी जो फैमिली है, आपकी स्पाउस की जो फैमिली है उनको, स्पाउस की फैमिली की हेल्थ, स्पाउस की फैमिली की इलनेस और स्पाउस की फैमिली की डिजीजेज को आपका फर्स्ट हाउस बताएगा, ये चीज़ नोट करके रखें। इसके अलावा फर्स्ट हाउस आपके पिता गुरु के बच्चे, आपके पिता और आपके गुरु के बच्चों को बताता है और स्टूडेंट्स को भी ये प्रदर्शित करता है, उनके स्टूडेंट्स को भी ये दर्शाता है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस है वो आपको जो है बॉस की हैप्पीनेस, आपका बॉस है उसकी खुशी को और उसके करियर को भी फर्स्ट हाउस यहाँ पर बताता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी होरोस्कोप के फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम इस दुनिया में क्या करके जाएंगे, हमारा लुक कैसा है, हमारे सामान्य विचार हैं वो कैसी है, मतलब हमारी थिंकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट हाउस बताता है। और फर्स्ट हाउस में हमारा जो हेड है, सिर है वो, और हमारी आँखों तक यानी जो हमारे कान हैं उनसे ऊपर का हिस्सा, और वैसे हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो फर्स्ट हाउस बताता है। तो फर्स्ट हाउस के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में स्थित बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगा। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।